दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीड़ की यही वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को दहला दिया है। एक बड़ा सा हॉल है जिसमें छोटी छोटी कई दरियां बिछी हैं। कोई बैठा है, कोई लेटा है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ही नहीं कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग कौन बनाएगा? कोरोना स्टार्ट हुआ ना तब से तो डर लगा नहीं, तो अभी डर लग के क्या कुछ। अरे मास्क लगा रखा था, लगाया क्यों नहीं है मास्क? ये चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। यहाँ पे कुछ ही तरह कुछ खा रहे थे जो था। पच्चीस लाशें वहां से निकाल दी, उसके बाद हमारा नंबर आया। डेली 8 से 10 पार्टी है, वो सादी पार्टी है अलग आती है, जो घर से वो अलग आती है। दुनिया में किसी से भी, पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। उनका लगा गरीब आदमी सीधा नहीं हुआ, फिर से लग गया तो रोड पे आ जाएगा। डर नहीं लग रहा है? कोरोना भी बढ़ रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है। नहीं, आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने ऐलान करने जा रही है कि दिल्ली में अगले हफ्ते यानी कि सोमवार तक आज रात से कर्फ्यू रहेगा। हर बढ़ते दिन के साथ पूरे देश में वायरस का रफ्तार और प्रसार बढ़ रहा है। जो कहा सो किया, मोदी मेड डिजास्टर।